ਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ आपको जिसने देखना तो उसने देख लिया मेरी हटाओ मैंने कहा अब नहीं हटती अब गई इस चीज में कितनी बार दिन में गुजरते हैं एक दूसरे के चलो थोड़ा देर चला जाता है अच्छा लगता है। सना और जाहिद हो गए यहाँ पर आज कैद हमारे घर में तो इनको आज हमने छोड़ना कोई नहीं है आज नहीं इनको छोड़ना साथ में ये जो पीछे फिर रहा है इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना ना चेक करवाओ काम शाम और फिर उसका काम देखो कि वो कैसा काम करता है अगर समझ में आए फिर उसको रख लेना सही है ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी तो भाई वेलकम हो गया आप सबका तो यहाँ पर बहुत खास मेहमान आ गए और सीन ऐसा हुआ है कि क्या हुआ है कोनी कोनी फिर बना लेने तो भाई यहाँ पर हमारे बड़े प्यारे गेस्ट आ गए उनसे भी आप सबको मिलवाते हैं। मेरी कोई तीन चार दिन से तबीयत ठीक नहीं फ्लू बहुत ज्यादा था मुझे हल्का हल्का बाहर भी था अभी भी मेरी ये चीज जो है बाहर की वजह से तकलीफ में लेकिन मैंने कहा चलो छोटा सा व्लॉग मैं इनके साथ बनाती हूँ और आए कौन है ये भी आपको दिखाती हूँ। हेलो जी साढ़े प्रो ने हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब सब तो ठीक होंगे तुसी सुनाओ हम भी बिल्कुल यहाँ पर मैं भी बात कहना चलूंगी जी यहाँ पर कोई सलमा सितारा स्पोर्टर आके ये बात ना लिखे जी और जाहिद खान बेबो आंटी के घर बैठा हुआ नहीं हमारा अपना एक तल्लक है बेबो आंटी की इज्जत करता है मेरी मुसीबत के टाइम पे ये मेरे साथ सर्दी में अर्ली इन द मॉर्निंग ये मेरे साथ था और उस टाइम पे आपकी टांगों में बहुत दर्द था वो तो अभी भी उठ के जाती है दर्द अभी भी है मेरे लिए काफी एहतराम है और इंशाल्लाह ताला आज पहले भी अपने ऐसी वीडियो मेरी भी शायद अभी इनके बाद ये पहले आ जाएगी तो एक खास डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ कि हम किसी बात के ऊपर कुछ जैसे ये लेना है हमने दोनों ने मिल के क्योंकि बींग अ यूट्यूबर मैं ये समझता हूँ कि बेबो आंटी और मैं हर जगह पर साथ होंगे इंशाल्लाह ताला अगर मीडिया की बात की जाए सोशल मीडिया की बात की जाए तो हमें ना पहले से किसी चीज का कोई खौफ था ना भी है और हम इंशाल्लाह ताला अपनी बेहतर बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आपको देंगे इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेंगे हम रमजान शुरू होने वाला है एक अच्छा फैसला हम चलो जी पहले कुछ खाना पीना करते हैं बाद में फैसला करते हैं जरा मेहमानों की खिदमत कर लेना आके रोजे रोजे आ रहे फिर सारी अफ्तारियां भी होंगी उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं यहाँ पर जी छोटा सा एक खाने का बस छोटा सा इंतजाम किया छोटी सी रिफ्रेशमेंट का बस ये क्या ये जूस पुलाव मंगाए और रोस्ट मंगाया मैंने कहा चलो इनको जूस वो गिलास उठा चिच्चे वाले इनको जूस डाल के दो 5000 रुपए लगवा दिए नहीं नहीं भाई ये क्या बात कर रहे हो आप सना ये आप लो ना और इनको आप प्लेट निकाले नहीं इसको छोटी को पिलटा दो थोड़ी देर बैठ के ऊपर गोद में चलो गोद में रख के खाओ चलो खाओ फिर पीछे कौन है पप्पू है नहीं कौन उसको इधर जूता किधर है आपका फिर ले आना ठहर जो मैं आपको गुजारती हूँ आगे टेबल पड़े है ना ठीक है या उधर से चले जाना ओ इधर आओ आप भी ये इनको दो पप्पू लेके आओ क्या कह रहे से पुलाव है जी हमारे पास इस वक्त और इसके साथ रोस्ट है जूस है और मैं बेबो आंटी के पास आया हूँ कैफे के लिए कोई इनसे रेसिपी लूंगा रेसिपी हाँ मैं तुम्हारे कैफे पे आके खुद वहाँ पे एक रेसिपी बना दूंगी दो तीन रेसिपियाँ मैं बना दूंगी अगर वो चल गई तो फिर मुझे कुक रख लेना मेरी रेसिपियाँ अच्छी टेस्टी हुई तो फिर व्यूअर्स भी जाहिद के कैफे पे खाना खाने आना करना वहाँ पे आप लोगों को अच्छे अच्छे मजे मजे के खाने मिले करेंगे इनवाइट कब से मुझे किया था किया था तो मैं चली गई अचानक लाहौर तभी इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ भाई किधर थे आप लोग गायब दोनों हाँ तो कैफे कैफे ओपनिंग और इसके कैफे कैसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त क्योंकि आज असद ने मैंने बोला कि ये हमें एक प्रॉपर एक बंदा दे रहा है कल उसको ये उधर ले आएगा उसको आप लोगों दिखाओ उसको चेक करवाओ काम शाम और फिर उसका काम देखो कि वो कैसा काम करता है अगर समझ में आए फिर उसको रख लेना सही है ना चलो उसको मजदूरी आपको इनवाइट किया था आप डिनर नहीं मतलब आप सही मैं इफ्तारी करना आवांगी ना क्या पता कल मौका बने हम कहीं चले हाँ हो सकता है मैं इनके साथ आ जाऊँ कल मैं वादा नहीं करती अगर मेरी तबीयत सेट रही ना आके ना कढ़ाई आपने बनानी है
वो जो कढ़ाई नहीं बनाता, वो दूसरा कट की। ये जो सिस्टम अभी देखे ना यूट्यूब से हट के भी, यानी हम लोग मिल रहे हैं, बड़ा एक फैमिली का फील आता है। यहाँ पर ना बेबो आंटी को हमने किसी तकल्लुफ में पढ़ने दिया कि नहीं जी यहाँ पर डाइनिंग वो असर निकाल रहा था, वो उठाओ रहने दे भाई, पप्पू ये उठा लो, हम जिधर हैं वैसे ही रूटीन में हमने बैठ के खाना खाया इनके साथ ही। और इंशाल्लाह अभी मेरा और बेबो आंटी का प्लान है कि हम कोई इस तरह का कंटेंट क्रिएट करें कुछ जबरदस्त सा, हमने जो फेक ना हो, जो स्क्रिप्ट होगा वो बताएंगे कि ये हमने स्क्रिप्ट किया है एंटरटेनमेंट। वो किधर गए ड्रामे, नहीं वो शुरू करते हैं अभी, वही करते हैं ऐसा व्यूवर्स को एंटरटेनमेंट करने के लिए। और मुझे तो शौक है ना इस चीज का, थोड़ा सा मतलब इनको असद आप बनाओ उधर से हमारी, मेरे पास सारा सेटअप है, वो ड्रामे श्रामे बनवाए शुरू करें आप लोग। नहीं हम स्टोरी कुछ करेंगे जी, मैं और बेबो आंटी के साथ बल्कि सना भी, और क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई हम शॉर्ट्स पे काम करें, शॉर्ट्स जी जी। अच्छा नहीं आज के शॉर्ट्स ड्रामा वगैरह का करना हो ना तो असद के पास प्रोफेशनल है, वो कैमरा मैन, वो मैंने करना भी था सब कुछ ले लिया था सारे। इन्होंने करना था फिर जो है थोड़ा सा मैंने कहा अभी रुक बस, फिर मेरा करियर खत्म हो गया यूट्यूब पे। नहीं नहीं खत्म कह रही है, आप जब मर्जी जहाँ से मर्जी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक इंसान जिंदा है ना, जब तक इंसान जिंदा है तो कुछ भी कोई कैरियर खत्म नहीं होता। ठीक है हमने क्या कुछ नहीं किया बैठे, मैं तो नहीं कहती कैरियर खत्म होगा, मेरा तो अभी शुरू हुआ। बाकी जी कोई नहीं, ये हमारी मुलाकात है एक ऑफिशियली मुलाकात थी, कोई यूट्यूब के हवाले से नहीं है, नहीं ऑफिशियली नहीं थी हमारी पर्सनल मुलाकात है, नहीं नहीं ऑफिशियली हमारी काम के सिलसिले में असद के साथ में, यानी वो हमारा बिजनेस का एक पार्ट। बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैंने जैसे पहले भी बोला है कि इंशाल्लाह को अच्छी एक न्यूज हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, रमजान का महीना है और इंशाल्लाह हर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। जाहिद ने रेस्टोरेंट खोल लिया, मैं उठ जावा की सहरी इफ्तारी वकील है केस कर दे बाद में देखते हैं ना मेरी क्यों बनाई है, मैं कहती हूँ अब तो लग गई, आपको जिसने देखना तो उसने देख लिया, मेरी हटाओ, मैंने कहा अब नहीं हटती अब गई। बड़ा वो उसमें भी बड़ा मजा आता है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उन बातों को, बाद में ना मैं उनके साथ आऊंगी वहाँ पे। ठीक है आपका रेस्टोरेंट भी विजिट करेंगे और आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, कभी एक बार चक्कर लगा लिया करो, मेरे भी आप लोगों को पता है मेरे सारे मेरे बहन भाई तो लाहौर में ससुराल है मेरा, यहाँ पे बस नहीं बिजी हम लोग इस चीज में कितनी बार दिन में गुजरते हैं ऐसे, बंदा एक दूसरे के चलो थोड़ा देर चला जाता है अच्छा लगता है, गैदरिंग भी होती है इंजॉय करता है सुख दुख इंसान। बाकी जी मैं वो से बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर हमें देखने वाले जो जाहिर बात है इसे एक खास कम्युनिटी है जिसपे मैं और बेबो आंटी हैं, और यहाँ पर लोगों ने आके मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स पास करने, आई नो दैट के जी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमें किसी बंदे का ये प्रेशर नहीं हो सकता कि जी आप बेबो को क्यों मिल रहे हो, आप फलाओ क्यों मिल रहे हो, हमें ये हमारी जाती पर्सनल लाइफ है जिसमें हम अंदाजा लगाया जा सके दुनिया गोल है, मुलाकात हो जाती है, मुलाकात आमना सामना हो जाता है जी। और बेबो आंटी के साथ हमारा जो रिलेशन है ये अभी यूट्यूब से हट के, और इंशाल्लाह ताला हम मिलते रहेंगे, और इस चीज का नाम है कोई खौफ है कि हमें कोई बंदा इस चीज से डराएगा, अगर ये बेबो के साथ बैठा हुआ तो बेबो के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह करके मिलेंगे ना, कोई डर बेबो को डराएगा मेरे वाले भेज देना मैं आप निपट लेंगे भाई, ये तो एक जिंदगी और दुनियादारी है, मिलना जुलना तलक वास्ते खुशियां गमियां लड़ाइयां झगड़े ये जिंदगी में होते रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा इंसान वो ये जो सब चीज को भूल के आगे चले, आगे हमारी आपस में हो जाती है ना कभी छोटी मोटी कोई भी अनबन, तो चौधरी साहब कहेंगे ना वो बात, मैं कहती चौधरी साहब वो बात छोड़ो आगे चलो तो कभी मैं कोई पिछली बात कर दूं तो वो कहता है ये आपके लफ्ज है कि आगे चलो, खबरदार आप बोली तो आगे चल मतलब ऐसे होते, मेरी ये सही बात मैं कह रही हूँ, मेरा ऐसे घर में भी फैमिली में भी किसी का भी कुछ होता है ना सारे मुझे कहते फलाने ने यह कर दिया उसने वो कर दिया किसी भी छोटे बहन भाई ने आपस में, मैं कहती हूँ इस बात को छोड़ो आगे चलो तो हम भी यही कहते हैं कि जो बीत गया वो अब दौर नहीं आएगा, इस दिल में सवा तेरे कोई और नहीं आएगा, आगे चलो आगे चलो, मैंने भी सारे ही कहते लगे चलो आगे चलो, ये डायलॉग बन गया हमारा है, ये डायलॉग नहीं है गाना है, ये हमारा कोई ना उसके साथ ये गाना था किसी साथ कोई हमारा कोई पर्सनल नहीं था, यूट्यूब की दुनिया की टाइम गुजर गया दैट्स इट खत्म, वो अपने घरों में खुश है
हम अपने रोड में खुश हैं और हमारा तो अब किसी के साथ है भी आप मैं तो कभी चैनल पे लाइव भी नहीं आती कि लाइव अगर चले जाओ ना तो कोई ऐसा कमेंट्स कर देता है या कोई ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं आपको जो तैश दिलाते हैं तो इंसान को ना किसी ने भी या किसी के कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया इंसान फिर वो पटरी से उतर जाता है ठीक है तो इसलिए मैं वो भी नहीं करती और आपके लिए तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे जाहिद किधर है कहाँ है वो आ गया है कि नहीं आया मैंने कहा इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आपको मैं दिखाऊंगी और वो आ भी गया है ठीक ठाक भी है हम व्लॉग भी बनाएंगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जाहिद है वो उसकी मिसिज है तो व्लॉग भी बनाएंगे सब कुछ है इधर ही सब कुछ कोई कुछ भी नहीं होता बस थोड़ा सा इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए तो मैं कहती हूँ जहाँ से मर्जी हो क्या बिकॉज आई बिल्कुल सही कह रही है बस इनकी अपना भी ख्याल रखिएगा अम्मी बेबू आंटी से आप इजाजत लेंगे चलेंगे नेक्स्ट बैठो ना अभी और क्या करना चाहिए सामान लेना कैफे का बताया था रमजान की तैयारी शुरू है तो उस सिलसिले में हमने कुछ कैफे की मेंटेनेंस थी कुछ सामान था कुछ थीम क्रिएट करनी थी उसके लिए हम लोग कुछ सामान लेंगे चलो वो असद भी कल आएगा ना हो सकता है मैं भी उसके साथ इंशाल्लाह तो जो भी फिर वो लड़के को देख के आप लोग उसका काम देख लेना और उसको अपने काम के बारे में बताना तो जी बेहतर ही होगा नहीं वो मुझे भी उसका पता है वो प्रोफेशनल है बच्चा वो काम करता है ना तो अभी वो भी फ्री है अगर उसको काम मिल जाए अच्छा तो भाई किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी का कोई हिला वसीला बन जाता है तो अच्छी बात है रमजान फ्री है आपको भी बंदा मिल जाएगा काम करने वाला उसको जॉब मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है चलो देखते हैं कल की आप सब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बेबो आंटी और असद के साथ हमारे कैफे पे अपलोड होगी चलो अभी ये लोग जा रहे हैं अभी मैं इनको जरा सी सना और जाहिद आए थे बहुत अच्छा लगा अचानक ही वो बस यहाँ से बाहर से गुजर रहे थे तो उनके बच्चे ने देखा उसने कहा ये वो आंटी का गाना इतना शैतान उसने पहचान लिया और बच्चों की याददाश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है तो बस थोड़ी देर वो हमारे साथ घंटा डेढ़ घंटा बैठे हैं बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी गपशप लगाई चले गए असद असद अभी उनको भेज के आ रहे हैं असद ना करो तो अब जो है यहाँ है बस वो बातें कर रहे थे तो बातों बातों में असद का एक दोस्त है वो भी प्रोफेशनल जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाता है ऐसा ही है ना हाँ तो वो जो है ना फिर असद ने कहा कि चलो उसको इनके पास भी प्रोफेशनल कोई नहीं था तो असद ने कहा कि उसको आप चेक कर लो तो कल जो है वो हो सकता है असद उसको लेके जाए या फिर मैं भी साथ जाऊं मेरा पक्का पता नहीं है तो देखते हैं क्या होता है तो बहुत अच्छा लगा जी अच्छा रहा हमारा सबका मिलना जुलना खाया पिया एंजॉय किया काफी सारे दुख सुख किए काफी सारा चिल किया हंसी मजाक की कोई बातें मतलब व्लॉग में डाली कुछ नहीं डाली मतलब जाहिद असद आपस में काफी इन्होंने गपशप लगाई और अभी आगे भी कुछ अच्छा सोच रहे खैर असद को तो काफी सारी ऑफरें भी मिली हैं ड्रामा वगैरह में भी काम करने की तो बस मैंने ही अभी तक इसको कहीं जाने नहीं दिया और कुछ करने नहीं दिया मैंने कहा कि अपना ही कुछ करेंगे जो भी करें क्योंकि ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकता कि कर सकते हो मैंने कर रहे क्यों है किसी के अंडर काम नहीं कर सकता अपना काम कर सकता है लाहौर में करेंगे लाहौर में नहीं लाहौर में क्या ओ भाई बस ताने मार रहा हूँ ताने ताने कह रहा ताने मार रहा हूँ ताने तो चलो खैर जो भी होगा अच्छा का अच्छा मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया काफी मेरा चार पांच दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं मुझे बुखार था अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा मेरे फेस से और आज भी मेरी ये चीजें सख्त दर्द थी फिर मैंने कहा घर में मेहमान आए तो जाहिर बात है उनके साथ बैठना उठना गपशप ये वो काफी मैंने हंसी मजाक किया और वो करने से मुझे काफी बेहतर फील हुआ और मेरे साथ ऐसा ही होता मैं हंसू तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है मैं रहूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है सही सही था अभी है? अभी तो उसमें ज्यादा अच्छा था तो हंसे हम काफी ज्यादा हैं तो तबीयत की वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया था कुछ कमेंट्स भी आए थे कुछ मैसेज भी आए थे कि कहाँ है व्लॉग क्यों नहीं आ रहा तो बस ऐसे ही तबीयत सेट नहीं थी तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ ठीक हूँ और देखते हैं आगे रोजे भी आ रहे हैं एक दो दिन बाद तो आपके साथ सहरियां अफ्तारियां हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह जरूर करेंगे तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मुझे दें इजाजत बाय बाय अल्लाह हाफिज़